हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे आर्या कोचिंग सेंटर में। आइए आज हम सब पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस यानी वर्तमान अपूर्ण काल, अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण मतलब होता है मतलब कोई भी कार्य जो हम कर रहे होते हैं वो हमारा चल रहा होता है, यानी वह पूरा नहीं हुआ रहता, वह हमारे वर्तमान समय में चालू रहता है। अब इसे इसकी परिभाषा क्या है यानी डिफिनेशन। डिफिनेशन का मतलब होता है परिभाषा। डिफिनेशन का मतलब होता है परिभाषा। जिस काल में कार्य का वर्तमान समय में अपूर्ण होना पाया जाता है उसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस अर्थात वर्तमान अपूर्ण काल कहते हैं। जिस काल में कार्य का वर्तमान समय में यानी जो समय चल रहा है उसमें अपूर्ण होना यानी उसमें लगातार चालू होना, अपूर्ण होना पाया जाता है यानी चालू रहना यानी जारी रहना पाया जाता है उसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस अर्थात अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। अब इसे पहचानते कैसे हैं कि हम कैसे पता करेंगे ये कौन सा टेंस है? तो यानी एनडीटी मतलब होता है पहचान। तो इस काल के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहा हूं इत्यादि शब्द आते हैं, यानी इस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहा हूं, ये इत्यादि शब्द आते हैं इस काल के वाक्यों के अंत में। उसके बाद हम ये समझते हैं इसके रूल क्या है। रूल इस प्रेजेंट कंटीन्यूअस जो हमारा टेंस है वर्तमान अपूर्ण काल, इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया इज एम आर है। हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है। तो यदि कार्य करने वाला करता, यदि जो हमारा कार्य करता है, कार्य करने वाला करता एक वचन यानी एक व्यक्ति है तो इज का प्रयोग करते हैं। यदि कार्य करने वाला करता एक वचन या फिर एक व्यक्ति है तो इज का प्रयोग करते हैं, और अगर कार्य करने वाला करता एक से अधिक व्यक्ति यानी बहुवचन है तो आर का प्रयोग करते हैं। यदि कार्य करने वाला करता बहुवचन या एक से अधिक व्यक्ति है तो आर का प्रयोग करते हैं, और आई के साथ जो हमारी आई होती है, आई मीन्स होता है मैं, आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद जो इसमें वर्ब होती है क्रिया, उसकी मतलब वर्ब की पहली अवस्था जो होती है उसकी वाक्य के मतलब जो भी शब्द रहेगा तो उसके अंत में वर्ब के साथ वर्ब लिखेंगे यानी जो क्रिया है उसे लिखेंगे तो उसके साथ ही हम आईएनजी जोड़ देंगे, चाहे इज हो, चाहे एम हो, चाहे आर हो, चाहे कार्य करने वाला करता एक वचन हो या बहुवचन हो या फिर आई हो, सब क्रिया के साथ पहली वाक्य की पहली क्रिया के साथ आईएनजी फॉर्म लगा देंगे। और अगर वाक्य सकारात्मक है तो वही पहले सब्जेक्ट को रखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। और अगर कार्य करने वाला कर्ता नकारात्मक है तो फिर पहले हम कर्ता को रखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब को, फिर उसके बाद नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी।
मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।